नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का न्यू वर्ल्ड टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की ऑनलाइन टेस्ट में है जनरल साइंस। जी हाँ दोस्तों, सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 ऐसे सवाल हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने की संभावना है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन टेस्ट में। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो प्लीज हर सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, हमें पता चलेगा कि आप कितने सही कर रहे हैं और कितने गलत जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा करके, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा पास के बेल आइकन को दबाने पर। तो दोस्तों इस बेल आइकन को भी साथ साथ आप दबा दीजिएगा और वीडियो को पसंद आने पर आप लाइक जरूर करें और दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ऑनलाइन टेस्ट। दोस्तों आज की ऑनलाइन टेस्ट का पहला सवाल है आप सभी के लिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्जा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, ए बी सी या डी। आपकी स्क्रीन पर आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से एक सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स पर टाइप करना है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल नीला और हरा। ठीक है दोस्तों चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण दिशा में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, आवृत्ति की इकाई है ए बी सी या डी। क्या होगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करें। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्ज। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, ऊतक टिश्यूज हैं एक, ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए हम कंटिन्यूस रखें तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पास के घंटी के बेल आइकन को दबाएं। चलिए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, समान कोशिकाओं का समूह। ठीक है दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, सवाल है अवोगाद्रो नियम निम्नलिखित नियमों के समाजन के फलस्वरूप बना है, ए बी सी या डी। दोस्तों सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप करना है। दोस्तों सवाल के जवाब के साथ साथ आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाकर के टाइप कर सकते हैं। आपकी जो भी राय होगी हम आपको कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने की। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, डाल्टा का परमाणुवाद तथा गेलू साक का नियम। दोस्तों वीडियो को पॉज करके भी इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, सवाल है आर का मान है ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री मोल। ठीक है दोस्तों चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किसी गैस का सूत्र CON है, यदि इसका वाष्प घनत्व 56 हो तो N का मान होगा, ए बी सी या डी। फटाफट से दोस्तों इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, NC2H2C2H2N एक अभिक्रिया है ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, एसएससी की, पुलिस की, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुलीकरण। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए है, सवाल है दोस्तों, यदि गैस के दिए द्रव्यमान पर यदि दाब घटाकर आधा कर दिया जाए तथा ताप बढ़ाकर दो गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन V होगा ए बी सी डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4V। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, किसका शोधन ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी इनका जवाब सोच विचार करके दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए अगर आपकी तैयारी है तो जल्द से जल्द जवाब देने की। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, आयोडीन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसका विसरण गति सबसे अधिक होता है ए बी सी या डी। इनमें से जो भी सही आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, NH3। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आप सभी के लिए, ए तथा बी गैसों का विसरण गति का अनुपात 6:5 है, यदि बी का घनत्व 36 है तो ए का अणुभार होगा ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे आपको टाइप कर देना है। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 50। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी ए बी सी या डी। जो भी आपको लगता है इसका जवाब वो आपको कमेंट बॉक्स पे टाइप करना है। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक में आप कंजूसी मत कीजिएगा, कमेंट के साथ साथ आप लाइक भी करते जाइए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5D। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी ए बी सी या डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, 2 विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 100 वाट तथा 200 वाट है तथा दोनों ही 220 की लाइन से जोड़े जाते हैं, इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात होगा ए बी सी डी।
सही जवाब सोच विचार करके वीडियो को पॉज करके भी आप इनका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2:1। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 30 वाट लिखा है तो इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा है ए बी सी डी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सवाल, इसका ध्यान से आप सही जवाब दीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2.5 एम्पियर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है ए बी सी डी। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए इसका। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्यूज में। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज की ऑनलाइन टेस्ट का आखिरी सवाल है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है ए बी सी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आप सभी के लिए सब, तो प्लीज ध्यान से सोच विचार करके इन सभी सवालों के जवाब दें कमेंट बॉक्स पे। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोटर। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके, और पास के नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।